जय माता दी। दोस्तों स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों आज हम इस वीडियो में आपको गणेश जी की कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। यह सभी गणेश जी की प्रेरक कहानियाँ हैं जो गणेश चतुर्थी के समय भक्त पढ़ना भी पसंद करते हैं। हिंदू सभ्यता में कई देवी देवता हैं, जिनमें से भगवान श्री गणेश जी को बहुत ही ज्यादा माना जाता है। श्री गणेश भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र हैं। ये हिंदू सभ्यता के अनुसार प्रथम भगवान के नाम से पूजे जाते हैं। किसी भी कथा से पहले गणेश जी की कथा अवश्य सुनी जाती है और किसी भी पूजा से पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो चलिए अब हम आपको गणेश जी भगवान की चार कहानियाँ सुनाने जा रहे हैं। नंबर एक, गणेश चतुर्थी की कहानी। क्यों मनाया जाता है गणेश चतुर्थी का त्योहार? एक बार की बात है, सभी देवता बहुत ही मुश्किल में थे। सभी देवगण शिवजी की शरण में अपनी मुश्किलों के हल के लिए पहुँचे। उस समय भगवान शिव के साथ गणेश जी और कार्तिकेय जी भी वहीं बैठे थे। देवताओं की मुश्किल को देखकर शिव जी ने गणेश और कार्तिकेय जी से प्रश्न पूछा, तुम में से कौन देवताओं की मुश्किलों को हल करेगा और उनकी मदद करेगा? जब दोनों भाई मदद करने के लिए तैयार हो गए तो भगवान भोलेनाथ ने उनके सामने एक प्रतियोगिता रखी। इस प्रतियोगिता के अनुसार दोनों भाइयों में से जो सबसे पहले पृथ्वी की परिक्रमा करके लौटेगा वही देवताओं की मुश्किलों में मदद करेगा। जैसे ही शिवजी ने यह बात कही, कार्तिकेय अपनी सवारी मोर पर बैठकर पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए चले गए, परंतु गणेश जी वहीं अपनी जगह पर खड़े रहे और सोचने लगे कि वह छोटे से मूषक की मदद से पूरी पृथ्वी का चक्कर कैसे लगा सकते हैं। उसी समय उनके मन में एक उपाय आया। वह अपने पिता भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती के पास गए और उनकी 7 बार परिक्रमा करके वापस अपनी जगह पर आकर खड़े हो गए। कुछ समय बाद कार्तिकेय पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर वापस पहुँचे और स्वयं को विजेता कहने लगे। तभी भगवान भोलेनाथ ने गणेश जी की ओर देखा और उनसे प्रश्न किया कि गणेश, तुम क्यों पृथ्वी की परिक्रमा नहीं करने गए? तभी गणेश जी ने उत्तर दिया, माता पिता में ही तो पूरा संसार बसा है। चाहे मैं पृथ्वी की परिक्रमा करूं या अपने माता पिता की, एक ही बात है। यह सुनकर भगवान भोलेनाथ बहुत खुश हुए और उन्होंने गणेश जी को सभी देवताओं के मुश्किलों को दूर करने की आज्ञा दी। साथ ही भोलेनाथ ने गणेश जी को यह आशीर्वाद भी दिया कि कृष्ण पक्ष की चतुर्थी में जो भी व्यक्ति तुम्हारी पूजा और व्रत करेगा उसके सभी दुख दूर होंगे और भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। अब आपको बताते हैं कि कैसे बने गणेश जी हाथी भगवान। एक दिन माता पार्वती स्नान करने के लिए गई, लेकिन वहाँ पर कोई भी रक्षक नहीं था। इसीलिए उन्होंने चंदन से एक लड़के को अवतार दिया और उसका नाम गणेश रखा। माता पार्वती ने गणेश को आदेश दिया कि उनकी अनुमति के बिना किसी को भी अंदर ना आने दिया जाए। जब भगवान भोलेनाथ वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि द्वार पर एक बालक खड़ा हुआ है। जब वे अंदर जाने लगे तो उस बालक ने उन्हें रोक लिया और अंदर नहीं जाने दिया। यह देखकर भगवान भोलेनाथ क्रोधित हो गए और अपनी सवारी बैल नंदी को उस बालक से युद्ध करने को कहा, परंतु युद्ध में उस छोटे बालक ने नंदी को हरा दिया। यह देखकर भगवान शिव ने क्रोधित होकर बाल गणेश का सर काट दिया। अब माता पार्वती वापस लौटी तो वो बहुत दुखी हुई और जोर जोर से रोने लगी। भगवान शिव को जब पता चला कि वह उनका स्वयं का पुत्र था तो उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हुआ। भोलेनाथ ने पार्वती को बहुत समझाने की कोशिश की पर वह नहीं मानी और गणेश का नाम लेते लेते और दुखी होने लगी।
अंत में माता पार्वती ने क्रोधित होकर भगवान भोलेनाथ को अपनी शक्ति से गणेश को दोबारा जीवित करने के लिए कहा। भगवान भोलेनाथ बोले, हे पार्वती, मैं गणेश को जीवित तो कर सकता हूँ, पर किसी भी अन्य जीवित प्राणी के सर को जोड़ना पड़ेगा। माता पार्वती रोते रोते बोल उठी, मुझे अपना पुत्र किसी भी हाल में जीवित चाहिए। यह सुनते ही भगवान भोलेनाथ ने नंदी को आदेश दिया, जाओ नंदी, इस संसार में जिस किसी भी जीवित प्राणी का सर तुमको मिले काट लाना। जब नंदी सर खोज रहा था, तब उसे सबसे पहले उससे एक हाथी दिखा, तो वह उसका सर काट कर ले आया। भगवान भोलेनाथ ने उस सर को गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया और गणेश को जीवन दान दे दिया। शिव जी ने इसीलिए गणेश जी का नाम गणपति रखा और बाकी सभी देवताओं ने उन्हें वरदान दिया कि इस दुनिया में जो कोई भी नया कार्य शुरू करेगा, पहले श्री गणेश जी को याद करेगा। अब आपको सुनाते हैं गणेश जी के टूटे दांत की कहानी। जब महर्षि वेदव्यास महाभारत लिखने के लिए बैठे, तो उन्हें एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो उनके मुख से निकले हुए महाभारत की कहानी को लिखे। इस कार्य के लिए उन्होंने श्री गणेश जी को चुना। गणेश जी भी इस बात के लिए मान गए, किंतु उन्होंने एक शर्त रखी कि पूरा महाभारत लेखन एक पल के लिए भी बिना रुके पूरा करना होगा। गणेश जी बोले, अगर आप एक बार भी रुकेंगे तो मैं लिखना बंद कर दूंगा। महर्षि वेदव्यास जी ने गणेश जी की इस शर्त को मान लिया, लेकिन वेदव्यास जी ने गणेश जी के सामने भी एक शर्त रखी और कहा, गणेश जी, आप जो भी लिखोगे समझ कर ही लिखोगे। गणेश जी उनकी शर्त मान गए। दोनों महाभारत की महाकाव्यों को लिखने के लिए बैठ गए। वेदव्यास जी महाकाव्य को अपने मुंह से बोलने लगे और गणेश जी समझ समझ कर जल्दी जल्दी लिखने लगे। कुछ देर लिखने के बाद अचानक से गणेश जी की कलम टूट गई। कलम महर्षि के बोलने की तेजी को संभाल ना पाई। गणेश जी समझ गए कि उन्हें थोड़ा अभिमान हो गया था और उन्होंने महर्षि की शक्ति और ज्ञान को नहीं समझा। इसके बाद उन्होंने धीरे से अपने एक दांत को तोड़ा और स्याही में डुबो डुबो कर दोबारा महाभारत की कथा लिखनी आरंभ कर दी। तभी से श्री गणेश जी को एक दंत नाम से जाना जाने लगा। जब भी वेदव्यास को थकान महसूस होती, तो वे एक मुश्किल सा छंद बोलते, जिसको समझने और लिखने के लिए गणेश जी को ज्यादा समय लग जाता और महर्षि को आराम करने का समय भी मिल जाता। महर्षि वेदव्यास जी और गणेश जी को महाभारत लिखने में 3 वर्ष लग गए। वैसे तो कहा जाता है महाभारत के कुछ छंद गुम हो गए हैं, परंतु आज भी इस कविता में 1,00,000 छंद हैं। अब आपको बताते हैं कि कैसे मूषक गणेश जी की सवारी बना। यह भगवान गणेश जी की एक मनोरंजक कहानी है, जिससे पता चलता है कि गणेश जी को सवारी मूषक क्यों और कैसे मिला। बहुत समय पहले की बात है, एक बहुत ही भयंकर असुरों का राजा था, जिसका नाम गजमुख था। वह बहुत ही शक्तिशाली बनना और धन चाहता था। वह साथ ही सभी देवी देवताओं को अपने वश में करना चाहता था, इसीलिए हमेशा भगवान शिव से वरदान के लिए तपस्या करता था। शिव जी से वरदान पाने के लिए वह अपना राज्य छोड़कर जंगल में जाकर रहने लगा और शिव जी से वरदान प्राप्त करने के लिए बिना पानी पिए, बिना भोजन खाए रात दिन तपस्या करने लगा। कुछ साल बीत गए, भगवान भोलेनाथ उसके तप से खुश हुए और उसके सामने प्रकट हुए। भोलेनाथ ने खुश होकर उसे दैवीय शक्तियां प्रदान की, जिससे वह बहुत शक्तिशाली बन गया। सबसे बड़ी ताकत जो भगवान भोलेनाथ ने उसे प्रदान की, वह
यह थी कि उसे किसी भी शस्त्र से नहीं मारा जा सकता। असुर गजमुख को अपनी शक्तियों पर अभिमान हो गया और वह अपनी शक्तियों का दुरुपयोग करने लगा और देवी देवताओं पर आक्रमण करने लगा। मात्र शिव, विष्णु, ब्रह्मा और गणेश जी ही उसके आतंक से बचे हुए थे। गजमुख चाहता था कि हर कोई देवता उसकी पूजा करे। सभी देवता शिव, विष्णु और ब्रह्मा जी की शरण में पहुँचे और अपने जीवन की रक्षा के लिए गुहार लगाने लगे। यह सब देखकर भोलेनाथ ने गणेश जी को असुर गजमुख को यह सब करने से रोकने के लिए भेजा। गणेश जी ने गजमुख के साथ युद्ध किया और असुर गजमुख को बुरी तरह से घायल कर दिया, लेकिन तब भी वह नहीं माना। उस राक्षस ने स्वयं को एक मूषक के रूप में बदल लिया और गणेश जी पर आक्रमण करने के लिए दौड़ा। जैसे ही वह गणेश जी के पास पहुंचा, गणेश जी कूद कर उसके ऊपर बैठ गए और गणेश जी ने गजमुख को युद्ध में हरा दिया। इससे गजमुख का अभिमान टूट गया और उसने गणेश जी से प्रार्थना की कि अब वह जीवन भर मूषक के रूप में ही रहेगा और आपके वाहन के रूप में जीवन भर आपकी सेवा करेगा। इसके बाद गजमुख भी अपने इस रूप से बहुत खुश हुआ और गणेश जी का प्रिय मित्र बन गया। तो दोस्तों, ये थी गणेश जी की प्रमुख चार कहानियाँ। आशा करते हैं आपको श्री गणेश जी की ये कहानियाँ पसंद आई होंगी। जय माता दी।